बच्चों आज हम हिंदी पाठ्यों से चैप्टर 26 रीड करेंगे। इस चैप्टर का नेम है रचनात्मक लेखन। तो बच्चों आपने पिछली क्लास में भी रीड किया था, रचनात्मक लेखन का उद्देश्य क्या रहता है? आपको किसी भी टॉपिक पर छोटे छोटे सेंटेंस लिखवाने की प्रैक्टिस करना है। इससे आपका क्या होगा, शब्दकोश बढ़ेगा और आप नए नए सेंटेंस बनाना सीख जाओगे। तो हमारा जो चैप्टर है इसमें आपको थ्री टॉपिक्स दिए हैं ऋतुओं के ऊपर, जैसे ग्रीष्म ऋतु, फिर है वर्षा ऋतु और शरद ऋतु। तो आप सभी को पता है ग्रीष्म ऋतु में क्या क्या होता है, हम कैसे कपड़े पहनते हैं, कैसा खाना खाते हैं। वर्षा ऋतु में बारिश होती है, शरद ऋतु में ठंड पड़ती है और ठंड में हम ऊनी कपड़ों का यूज करते हैं, वर्षा ऋतु में रेनकोट छतरी का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो हम इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं चैप्टर 26। बच्चों हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 26 रचनात्मक लेखन। इसके पहले क्लास में भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था रचनात्मक लेखन किसे कहते हैं। किसी भी टॉपिक को देखकर उसके बारे में छोटे छोटे सेंटेंस लिखना रचनात्मक लेखन कहलाता है। यहाँ पर इसकी परिभाषा दी हुई है, रचनात्मक लेखन का उद्देश्य बच्चों में कल्पनाशीलता का विकास करना और उन्हें स्वतंत्र अभिव्यक्ति में सक्षम करना है। इससे क्या होता है, जब बच्चे किसी भी टॉपिक को देखकर छोटे छोटे सेंटेंस बनाना सीख जाते हैं तो उनकी अभिव्यक्ति का विकास होता है और वो किसी भी टॉपिक पर सेंटेंस बना सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है रचनात्मक लेखन एवं इसका उपयोग। इससे क्या होता है, विद्यार्थी की सोचने की क्षमता बढ़ती है, लेखन कौशल का विकास होता है और इसके साथ बालक का शब्दकोश बढ़ता है। तो बच्चा रचनात्मक लेखन के द्वारा नए नए शब्दों को सीखता है जिससे उसका शब्दकोश बढ़ता है और उसकी लिखने की जो क्षमता रहती है वह भी बढ़ जाती है। तो बच्चों यहाँ पर कुछ टॉपिक दिए हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। बच्चों यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ अलग अलग टॉपिक दिए हैं। फर्स्ट दिया है ग्रीष्म ऋतु, इसके बाद शरद ऋतु और वर्षा ऋतु। तो आप सभी को पता है ग्रीष्म ऋतु कब से कब तक रहती है, ग्रीष्म ऋतु माह अप्रैल से जून तक होती है, मतलब इस मंथ में सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है। फिर क्या होता है, इस ऋतु में हम सूती और हल्के रंग के कपड़े पहनते हैं, तो गर्मी के कारण हम सभी लाइट कलर के कपड़े पहनते हैं और इसमें गर्मी से बचने के लिए क्या करते हैं, ठंडे पेय पदार्थों का सेवन किया जाता है जैसे आइसक्रीम, जूस। इसके बाद इस ऋतु में हम पंखे और कूलर का भी उपयोग करते हैं जिससे हमें गर्मी से राहत मिलती है। और जो गर्मी की ऋतु होती है उसमें क्या होता है, जो हमारे अनाज हैं, फसल हैं, वो पक जाते हैं, इस ऋतु का सबसे बड़ा फ़ायदा है। इसके बाद सभी बच्चों के विद्यालयों में अवकाश रहता है, तो जो हमारी गर्मी की छुट्टियाँ रहती हैं वो हमें मई और जून में मिलती हैं। इसके बाद आती है शरद ऋतु। शरद ऋतु का अर्थ क्या होता है, ठंड की ऋतु जो कि नवंबर से शुरू होती है और नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी तक चलती है। इस ऋतु में हम कैसे कपड़े पहनते हैं, इस ऋतु में हम डार्क ऊनी कपड़े पहनते हैं और खाने की वस्तुएं जो हम यूज़ करते हैं वो गर्म रहती हैं, जैसे चाय, कॉफ़ी, सूप इत्यादि, और इसमें हम नए नए पकवान भी खाते हैं। इसके बाद इस ऋतु में क्या रहता है, इस ऋतु में सबसे अच्छा सुहावना मौसम रहता है और इस ऋतु में सबसे ग्रीन वेजिटेबल और फ्रूट्स उपलब्ध रहते हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए लाभदायक रहते हैं। तो शरद ऋतु में सबसे अच्छा स्वास्थ्य रहता है, इसे हम विंटर ऋतु कहते हैं। इसके बाद आती है शरद ऋतु के बाद वर्षा ऋतु। तो बच्चों आप सभी को पता है रेनी सीजन कब स्टार्ट होता है, रेनी सीजन जून के लास्ट में स्टार्ट होता है, मतलब जून जुलाई से बारिश स्टार्ट हो जाती है और बारिश से बचने के लिए हम क्या करते हैं, रेनकोट और छाता का उपयोग करते हैं। और इस ऋतु में हम बारिश से बचने के लिए बरसाती पहनते हैं। इसके बाद यहाँ पर दिया है कपड़े, तो इस ऋतु में भी हम हल्के कपड़े पहनते हैं। खाने की वस्तुएं, इस ऋतु में गरम गरम खाना अच्छा लगता है, जैसे बाज़ार में चटपटे चने इत्यादि उपलब्ध रहते हैं। वर्षा ऋतु में हम स्कूल स्टार्ट हो जाते हैं, स्कूल जाना शुरू कर देते हैं, हमारी पढ़ाई स्टार्ट हो जाती है
और वर्षा ऋतु में चारों तरफ हरियाली छा जाती है। मौसम कैसा दिखने लगता है? एकदम सुहावना। चारों तरफ जो हमारी धरती है हरे भरे पेड़ पौधों और फूलों से सजी हुई दिखाई देती है। तो और वर्षा ऋतु रहती है सभी पौधों और सभी फसलों के लिए लाभदायक रहती है। इस ऋतु में ही पौधे बड़े होते हैं और हमारी फसल भी बड़ी होती हैं। और हमारे आसपास जो नदी सरोवर झील तालाब है वो पानी से भर जाते हैं। तो वर्षा ऋतु सबसे अच्छी ऋतु मानी जाती है क्योंकि पानी की प्राप्ति हमें इसी ऋतु के द्वारा होती है। तो बच्चों इस चैप्टर में हमने क्या सीखा? सभी ऋतुओं के बारे में सीखा। अब आपको क्या करना है? इस चैप्टर को रीड करना है और इसके क्वेश्चन आंसर भी लर्न करना है। ओके बच्चों। तो बच्चों आज हमने इस चैप्टर की रीडिंग की, तो आपको वीडियो से समझ में आ गया होगा कि हम किस ऋतु में क्या पहनते हैं और किस ऋतु में हमारे आसपास का वातावरण कैसे रहता है। तो आपको जैसे ही टॉपिक दिए थे, इसके अलावा दूसरे टॉपिक पर भी छोटे छोटे सेंटेंस बनाने की प्रैक्टिस करनी है।